हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2023 में सोमवती अमावस्या कब है। हिंदू धर्म में किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली तारीख को अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में इस विधि को पितरों की पूजा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि का महत्व तब और ज़्यादा बढ़ता है जब ये श्रावण मास में पड़ती है। इस बार श्रावण मास की अमावस्या पर सोमवार के दिन का संयोग भी जुड़ गया है। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। दैनिक पंचांग के मुताबिक श्रावण की सोमवती अमावस्या 16 जुलाई को देर रात 10:08 पर शुरू होगी और 18 जुलाई को देर रात 12:01 पर ख़त्म होगी, यानी कि 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस साल श्रावण अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़। अब मैं बात करूँगी इस बार सोमवती अमावस्या व्रत उठा सकते हैं या नहीं। देखिए, इस बार आप श्रावण सोमवती अमावस्या का व्रत आप उठा सकते हैं, क्योंकि माल मास 18 जुलाई 2023 को लगेगा और श्रावण सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को है। इसलिए आप निरसंकोच सोमवती अमावस्या का व्रत उठा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी अगर हम व्रत ना रख पाएँ तो क्या करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो कोई बात नहीं, अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी काले तिल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको घर बैठे ही गंगा स्नान जैसा फल मिलेगा। आप उसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी पूजन करें। इस दिन तुलसी पूजन भी किया जाता है, पीपल वृक्ष की पूजन भी किया जाता है। अगर आपके घर से पीपल दूर है तो आप तुलसी पूजन, अगर आपके घर पर है तुलसी तो आप तुलसी पूजन करके उनकी फेरी लगा के आप सोमवती अमावस्या का व्रत जैसा फल ही पा सकते हैं। इस तरह भी आप सोमवती अमावस्या व्रत का फल पा सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल की सेवा करता है, उसकी जड़ में जल चढ़ाता है, उसे भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति अगर पितरों का तर्पण करता है या फिर उनके लिए पिंडदान करता है तो उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।